यहाँ पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसकी ये कंटेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी फहरिस्त बने हुए हैं, मतलब कंटेंट्स बने हुए हैं। मतलब ये डॉक्यूमेंट कोई 73 पेजेस पर कंसिस्ट करता है, और इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये शुरू में ही फहरिस्त में दिया गया है। अब इस जिस भी टॉपिक पे हमें जाना है उस पर क्लिक करेंगे और हम डायरेक्टली उस टॉपिक पे स्विच हो जाएंगे। तो ऐसा किस तरह पॉसिबल है? देखिए, जिस टॉपिक पे जाना है उस पे अपना एरो रखेंगे पूरी लाइन पे कहीं भी, और कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड करेंगे। जैसे ही कंट्रोल का बटन होल्ड करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आप उस टॉपिक के ऊपर स्विच हो जाएंगे। ठीक है, अब दोबारा से आपने फहरिस्त पे आना है तो कंट्रोल जी दबाएंगे तो गो टू कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ से पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, यहाँ से कोई भी एक पेज नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से गो टू करेंगे तो आप उस पेज पर इजीली शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा देखें किस तरह से आप जा रहे थे टॉपिक के ऊपर। कंट्रोल का बटन होल्ड करना है, उस टॉपिक पे कहीं भी क्लिक करना है तो आप इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। और दोबारा से फहरिस्त वाले सेक्शन में जाना है तो कंट्रोल जी दबाएंगे और यहाँ से पेज नंबर बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ से गो टू करेंगे तो उस पेज पर आप शिफ्ट हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फहरिस्त बनी कैसे इतने सारे टॉपिक्स की? तो उसके लिए हमारे पास रेफरेंस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे इस कमांड पे हम क्लिक करेंगे तो ये फहरिस्त जो है, या टेबल ऑफ कंटेंट कह लें इनको, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। जब ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर ख़त्म होने के बाद अब आपके पास आपका डॉक्यूमेंट रह गया। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ पर पहले पेज पर बना लिया। जब भी आप इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, यानी कि वो नोट्स हो सकते हैं, थीसिस हो सकती है, प्लानर हो सकता है, या किसी भी किस्म का कंटेंट हो सकता है, तो अगर आप उसको साथ साथ उसकी फहरिस्त भी बनाएंगे तो आसान ये होगा रीडर को कि वो टॉपिक को बाय पेज नंबर फाइंड कर लेगा, और आप उसको प्रिंट करके भी ईज़िली पब्लिश कर सकते हैं और उसकी PDF बना के भी ईज़िली पब्लिश कर सकते हैं। रीडर को ये आइडिया होगा कि ये कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पर है, तो ईज़ी टू फाइंड हो जाता है उसके लिए। लेकिन सवाल ये है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। जैसे कि ये एक डॉक्यूमेंट है 69 पेजेस पर मुश्तमिल है, और 69 पेजेस में कई टॉपिक इसके अंदर ऐड किए गए हैं, लेकिन एज अ रीडर हमें नहीं पता कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पे है और कितने टॉपिक इसके अंदर पहले से मौजूद हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें करना ये होगा कि रेफरेंस पर क्लिक कर रहे हैं, और रेफरेंस पर क्लिक करके यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट पर जा रहे हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ये दो तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट और ऑटोमेटिक टेबल वन। ठीक है, इस पर आपने क्या करना है कि जैसे ही यहाँ से ही बनेगा तो सही, लेकिन इसकी प्रिपरेशन कुछ इस तरह से करनी है कि यहाँ पर पहले आपने जो है एक जो जो टॉपिक आपने ऐड कराना है कंटेंट के अंदर, उस टॉपिक को हेडिंग में कन्वर्ट करना है। मतलब वेदर आप उसको हेडिंग वन में कन्वर्ट करें, हेडिंग टू में कन्वर्ट करें, हेडिंग थ्री में, हेडिंग फोर में, वॉट एवर, किसी में भी कन्वर्ट करें, लेकिन ये हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री की साइज़ जो है वो क्या है? देखें, जैसे कि अगर मेन टॉपिक है तो उसको हेडिंग वन में रखें, अगर उसी का सब टॉपिक है, ठीक है, सब टॉपिक उसी का, तो उसको H2 में रखें, और अगर सब टॉपिक का भी सब टॉपिक है तो उसको H3 में रख लें। ठीक है, इस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर से अगर कोई मेन टॉपिक है तो दोबारा से उसको H1 में रखें। तो इस तरह से जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आपके ऑटोमेटिकली अलाइन होते रहेंगे, और वो कंटेंट में भी ऐसे ही ऐड होंगे जैसे कि आप उनको हेडिंग्स पर सेट कर रहे हैं, हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री करके। ठीक है, अब उसको कैसे ऐड करना है किसी टॉपिक को? लेट सपोज़ इस डॉक्यूमेंट में मैं किसी भी जगह पे जाके और एक टॉपिक ऐड करा लेता हूँ, जो कि पाकिस्तान के बाद वाले हिस्से में यहाँ करा लेते हैं, टेक्नोलॉजी के बाद यहाँ ऐड करा लेते हैं। अब एंटर किया मैंने, यहाँ पे एक नया टॉपिक ऐड कराने जा रहा हूँ। अब उस टॉपिक का नाम लिख देता हूँ सपोज़ टू बी इंटीग्रेशन विथ सोसाइटी। ठीक है, ये एक टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैं फहरिस्त में भी ऐड करना चाहता हूँ। आप अगर इस टॉपिक को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से होम में जाके इसको बोल्ड करेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज़ को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो ये फहरिस्त में ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब ये मुझे कैसे पता चलेगा ये फहरिस्त में ऐड होगा कि नहीं होगा?
उसके लिए मुझे क्या करना है, व्यू में जाना है और यहाँ से खोलना है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन जो है बेसिकली हमारे पास एक नेविगेशन बार है, यानी कि जो हमें हेल्प आउट करता है चीज़ों हेडिंग्स को ट्रैक करने में, पेजेस को ट्रैक करने में, रिजल्ट्स को ट्रैक करने में। तो आप देखेंगे कि हेडिंग्स में ये वाला टॉपिक ऐड नहीं हुआ, लेकिन रेस्ट ऑफ टॉपिक जो हैं जो ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं वही आपके कंटेंट का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन ये रेस्ट टॉपिक, ये वाला टॉपिक इसमें कैसे ऐड होगा? देखिए यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये मेन टॉपिक है तो आप इसको ऐड करेंगे हेडिंग वन में। जैसे ही आप हेडिंग वन में क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये टॉपिक आपके नेविगेशन में ऐड हो गया। इसके दो फायदे हैं, यहाँ से आप किसी भी टॉपिक को जो कि हेडिंग में कन्वर्टेड है उसको ट्रैक कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। दूसरा, जब ये ऐड हो गया तो अब इसका कोई सब टॉपिक आपने बनाया, सपोज टू बी इसका सब टॉपिक मैंने यहाँ पे बनाया, और वो टॉपिक मैंने बताया सपोज टू बी सोसाइटी, SOCIETY, ये सोसाइटी इसका सब टॉपिक था, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और मेन टॉपिक नहीं था चूँकि मैंने इसको हेडिंग टू में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, और उस पॉइंट के अंदर सोसाइटी ऐड हो गया जाके, मतलब ये मेन टॉपिक है और ये तीन इसके सब टॉपिक है जो कि पहले से भी कुछ ऐड थे इसके अंदर हेडिंग टू के नाम से, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐड हो सकता है। अब जब इसको रिमूव करना होगा हेडिंग से, तो हम यहाँ से जाके सिंपल इसको नॉर्मल कर देंगे तो ये यहाँ से भी गायब हो जाएगा और ये नॉर्मल एक टॉपिक बन जाएगा। तो पहले तो आप यहाँ पे ये समझ लें कि किस तरह से जो टॉपिक आपने ऐड कराना है फहरिस्त के अंदर उसको मेन टॉपिक के तौर पर ऐड कराना है, सब टॉपिक के तौर पर ऐड कराना है, या सब टॉपिक का भी सब टॉपिक के तौर पर ऐड कराना है। जब आप ये काम कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो अब आपको कंटेंट बनाने में आसानी रहेगी। कंटेंट तो वैसे आप अपने कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट में कहीं भी ऐड करा सकते हैं, पेज के एंड में या पेज के शुरू में या पेज के मिड में, लेकिन इसकी जो सही जगह रहती है प्रिंटिंग में वो रहती है बिफोर द फर्स्ट पेज, पहले पेज से भी पहले इसको ऐड कराया जा सकता है, कराना चाहिए। तो किस तरह से ऐड कराएंगे, यहाँ से कंट्रोल जी दबा के गो टू कमांड लेके, गो टू में पेज नंबर वन डाल के मैं पेज नंबर वन पर आ गया, और इससे पहले भी मुझे एक पेज ऐड कराना है तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट में जाके मैंने एक ब्लैंक पेज पे क्लिक किया। जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो इससे ऊपर एक और पेज ऐड हो गया जो बिल्कुल ब्लैंक था, और उस पर क्लिक करके मैंने होम में जाके अगर कोई पहले से कोई स्टाइल या फॉर्मेट अप्लाई हुआ हुआ था तो नॉर्मल करके उसको अप्लाई कर दिया। इसके बाद इंसर्ट में जाके जस्ट मुझे क्लिक करना है, सॉरी रेफरेंसेस में जाके जस्ट मुझे क्लिक करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स पर, और यहाँ पे तीन स्टाइल के कंटेंट्स मेरे पास अवेलेबल है, इनमें से कोई भी कंटेंट जो मुझे रिक्वायर्ड है उस पर जाके क्लिक कर देना है, कोई भी एक स्टाइल। तो मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया, तो जैसे ही ऐसा स्टाइल ऐड किया तो यहाँ पर क्लिक करके आपने देखा कि जितने टॉपिक भी हेडिंग 1, 2, 3 के अंदर कन्वर्टेड थे इसने उन सबकी लिस्ट बनाई और ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट लिखा और एक एक टॉपिक का नाम लिखा जिसमें हमारा वाला टॉपिक भी इसके अंदर ऐड हुआ होगा जो हमने अभी लास्ट में ऐड किया था इंटीग्रेशन विद सोसाइटी। तो अभी देखते हैं, ये रहा इंटीग्रेशन विद सोसाइटी और इसके सब टॉपिक भी ऐड हो गए जो इसके साथ थे और उनके आगे उनके पेज नंबर भी लिखे हुए आ रहे हैं। इससे तो एक काम तो ये हुआ कि अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का इंडेक्स बनाना है, इंडेक्स माने फहरिस्त क्रिएट करनी है, तो सबसे आसान तरीका यही है जिसके ज़रिए आप उसका फहरिस्त क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ये काम वैसे दिया जाता है विदाउट दिस ऑप्शन तो आपको घंटों लग जाते और ये टास्क फिर भी पूरा नहीं हो पाता। इसके अलावा एक और आसानी इसके अंदर ये है कि अगर आप बीच में कोई टॉपिक को स्विच करते हैं, रिमूव करते हैं, चेंज करते हैं, जैसे कि द ब्रोकन हार्ट नेशन में ये वाला टॉपिक अभी पेज नंबर 52 के ऊपर है और मैंने डिसाइड किया कि ये टॉपिक यहाँ से हटा दिया जाए, तो मैंने क्या किया, इस टॉपिक को यहाँ से जितना भी इसका कंटेंट था लिया और यहाँ से कंट्रोल एक्स करके कट कर दिया। नाउ मैंने इसको शिफ्ट कर दिया कुछ यहाँ पर जो कि पेज नंबर 56 था और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सो कंटेंट्स में क्या हुआ होगा, तो अगर हम द ब्रोकन हार्ट्स वाले टॉपिक को जाके देखें अभी हमें नहीं मिला तो फिर से इसको रीचेक करते हैं, कंट्रोल एफ फॉर फाइंड ब्रोकन लिख देता हूँ, खुद ही आ जाएगा। ये रहा, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये टॉपिक स्टिल जो है अभी पेज नंबर 49 पर ही है जबकि हमने इसको स्विच कर दिया है पेज नंबर 54 पर। ये काम अगर आप मैन्युअल ही खुद से बनाते
फहरिस्त, तो आपको ये सेट करना ऐसा था वबाले जान, क्योंकि अगर आप इसको सेट करते तो फिर इसको सेट करते फिर इसको सेट करते, और ऑलवेज आप इसी चक्कर में पूरे होते रहते। इस टेक्निक को कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग, के आप किस तरह से चीज़ों को दोबारा से अरेंज करते हैं। लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट में ये काम आसान है, क्लिक करें यहाँ पर और यहाँ से कहें अपडेट टेबल पे क्लिक करें, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करें, और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर ये देखें टॉपिक अपडेट हो गया और यहाँ से गायब हो गया। अब लाजमी बात है गायब हुआ है तो कहीं और गया होगा, तो चलते कहाँ गया देखें। फिर से सर्च करके देखते हैं कहाँ गया। ये देखिए और ये अपडेट होके आ गया है पेज नंबर 56 के ऊपर, सही। तो इस तरह किसी भी टॉपिक को स्विच करना या उसको शिफ्ट करना या शफल करना आपके लिए आसान है। जस्ट आपने अपडेट करना है और अपडेट इंटायर टेबल के देना और ओके कर देना है तो टॉपिक अपडेट हो जाएगा और आपका फहरिस्त बिल्कुल री इंडेक्स हो जाएगा। और अब आपको फ़ायदा यह है कि कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उस टॉपिक पे स्विच हो जाएंगे। दूसरी बात, ये सिर्फ इंडेक्स वाला मामला सिर्फ जो है यहाँ तक महदूद नहीं है, इसको PDF फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उस पर भी काम करेगा। लेकिन उससे पहले ज़रा एक दो ऑप्शन और देख लें यहाँ क्लिक करके। अगर आप इस फहरिस्त को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके रिमूव कर दीजिए तो ये फहरिस्त ख़त्म हो जाएगी, और अगर आप इस फहरिस्त को दोबारा ऐड कराना चाहते हैं तो दोबारा से ले लीजिए। और कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट करके डॉट्स की जगह पे लाइन की जगह पे डैश या लेवल्स 3-4 तक शो करना चाह रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे डॉट की जगह पे आप ये वाले डैश यूज़ करना चाह रहे थे और इसको ओके कर देंगे तो अभी कुछ इस तरह का आपका इंडेक्स ऐड होगा। तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है अपने डॉक्यूमेंट का फहरिस्त बनाने के लिए। और इसके अलावा अगर आप इसका PDF भी बनाना चाहते हैं और उसमें भी चाहते हैं कि इंडेक्स इसी तरह से काम करे, तो फाइल में जाके जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट PDF पे क्लिक करेंगे, क्रिएट PDF XPS पे क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी जिसको हम इसमें सेव कर देते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स INT के नाम से। और यहाँ पे हम जैसे ही सेव कर रहे हैं तो एक फ़ाइल सेव हो गई। अब इस वर्ड की फ़ाइल को भले ही आप क्लोज़ कर दें क्योंकि इससे वो फ़ाइल सेव हो चुकी, और अब जाके हम उस फाइल को चेक करते हैं। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पे गए और डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद हम उसी फोल्डर में गए जहाँ पे हमने उसको सेव किया था वर्ड फाइल्स के नाम से, और वहाँ पे जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक किया। और जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए कि हमने भी जो फाइल सेव की थी टेबल ऑफ कंटेंट्स INT वो यहाँ मौजूद है, और ये एक PDF फाइल है, नॉन एडिटेबल फाइल है जिसको हम एडिट नहीं कर सकते, जस्ट रीड कर सकते हैं। क्लिक किया यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद आपने देखा कि ये फहरिस्त इसमें ही मौजूद है, और इस पर तो ये विदाउट कंट्रोल काम करेगा, विदाउट कंट्रोल ये देखिए। और यहाँ पर भी क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं आप पेज नंबर आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। 9 पेज पे जाना है, 10वें पेज पे जाना है, और यहाँ पे क्लिक करके अगर कुछ चीज़ एडिट वगैरह करनी है, कलर्स हाइलाइटर्स वगैरह, बहरहाल ये तो वेब ब्राउज़र का टॉपिक है जिस पे हम देख सकते हैं। और ये इंडेक्स पे आ गए आप दोबारा से, और यहीं से क्लिक करके जिस टॉपिक पे स्विच करना चाह रहे हैं तो ये, यानी कि अगर अब ये फ़ाइल मैं आपको सेंड भी कर दूँ नोट्स की सूरत में, प्लानर की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में, कॉन्टेंट की सूरत में, तो आपके लिए इजी होगा किसी भी टॉपिक को ट्रैक करना, किसी भी पेज को ट्रैक करना। तो ये सारी चीज़ें आप टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से इजीली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में परफॉर्म कर सकते हैं।